दोस्तों भारत में हर साल कई आईएएस ऑफिसर क्वालिफाइड होते हैं। भारत के हर एक स्टूडेंट का यही सपना होता है कि वो बस एक बार यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके आईएएस या पीसीएस के पद पर पहुंच जाए। आईएएस को देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ और राजाओं वाली नौकरी माना जाता है। पर दोस्तों आईएएस में ज्यादातर मेल के मुकाबले फीमेल का दबदबा रहता है। आप यूपीएससी 2023 का ही रिजल्ट ले लीजिए, जिसमें टॉप 5 में से 4 तो महिला ही टॉप की थी। लेकिन भारत में कुछ ऐसी फीमेल आईएएस ऑफिसर भी मौजूद हैं कि जो अपने क्वालिफिकेशन से ज्यादा अपनी लग्जरी लाइफ और खूबसूरती की वजह से सोशल मीडिया पर काफी चर्चित में रहती हैं। इन्हें ब्यूटी ब्रेन का बेस्ट एग्जाम्पल भी कहा जाता है। और कुछ आईएएस ऑफिसर इतनी खूबसूरत हैं कि इनकी खूबसूरती के आगे साउथ और बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक्ट्रेस भी फीकी पड़ जाती हैं। तो दोस्तों आइए आज हम इस वीडियो में 6 ऐसी खूबसूरत फीमेल आईएएस ऑफिसर के बारे में जानते हैं कि जिनका सिलेक्शन हाल ही में हुआ है। और लास्ट वाली आईएएस ऑफिसर इतनी खूबसूरत है कि लोग इन्हें ब्यूटी क्वीन भी कहते हैं। हमारे इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है आरुषि शर्मा का। दोस्तों इनका जन्म सन 1998 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था और इन्होंने साल 2021 में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऑल इंडिया 292 रैंक हासिल की थी। आरुषि शर्मा मैम काफी मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंची हैं और ये इस समय आईआईएस के पद पर ड्यूटी कर रही हैं। नंबर 5 टीना डाबी। दोस्तों टीना डाबी भारत की काफी यंगेस्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर हैं। इन्होंने साल 2015 में यूपीएससी एग्जाम ऑल इंडिया टॉप किया था और टीना डाबी इस समय राजस्थान में आईएएस के पोस्ट पर ड्यूटी कर रही हैं। टीना डाबी का जन्म सन 1993 में मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। ये दिखने में जितनी खूबसूरत है उतने ही स्ट्रिक्ट भी हैं। और कुछ मीडिया की माने तो टीना डाबी इस साल माँ भी बनने वाली है। नंबर 4 परी बिश्नोई। दोस्तों इनका जन्म 26 जनवरी 1996 को दिल्ली में हुआ था। परी बिश्नोई ने साल 2021 यूपीएससी एग्जाम में ऑल इंडिया 23वीं रैंक हासिल की थी। परी मैम दिखने में काफी मॉडर्न और ब्यूटीफुल भी हैं और ये आईएएस की तैयारी करने वाले कई स्टूडेंट के लिए एक इंस्पिरेशन भी हैं। परी मैम की पोस्टिंग सिक्किम में हुआ है और ये आईएएस के पद पर ड्यूटी कर रही हैं। नंबर 3 दिव्या तानवर। दोस्तों दिव्या तानवर मैम का सक्सेस स्टोरी काफी भावुक कर देने वाली है। दिव्या मैम ने महज 8 साल की उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। ये इतनी गरीब परिवार से आती थी कि इनकी मां ने दूसरों के खेत में मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ाया था। दिव्या मैम साल 2021 में ही पहली अटेम्प्ट में ही यूपीएससी में 235 रैंक लाकर आईपीएस ऑफिसर बनी थी और साल 2022 में इन्होंने ऑल इंडिया 105 रैंक लाकर आईएएस ऑफिसर बन गई। नंबर 2 श्रुति शर्मा। साल 2021 में ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाली श्रुति शर्मा को भला कौन नहीं जानता। श्रुति शर्मा का जन्म 5 जुलाई सन 1994 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्रुति शर्मा के पिता एक इंजीनियर हैं और इनकी मां एक हाउसवाइफ हैं। इन्होंने यूपीएससी की तैयारी दिल्ली से की थी और आज ये आईएएस के पद पर ड्यूटी कर रही हैं। नंबर 1 आसना चौधरी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रहने वाली आसना चौधरी भारत की काफी मॉडर्न और खूबसूरत आईएएस ऑफिसर मानी जाती है। इन्होंने भी अपनी यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में की थी और आसना मैम यूपीएससी साल 2022 में ऑल इंडिया 116वीं रैंक हासिल की थी। आसना चौधरी इतनी खूबसूरत है कि लोग इन्हें ब्यूटी क्वीन भी कहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वैसे आपको कौन सी आईएएस ऑफिसर सबसे खूबसूरत लगी नीचे कमेंट में उनका नाम जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।